सेक्स टैबलेट लेना अच्छा कि बुरा, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफी लोग हमें पूछते रहते हैं कि मैं सेक्स टैबलेट ले रहा हूँ, वायग्रा ले रहा हूँ, सेक्स टॉनिक ले रहा हूँ, अच्छा है कि बुरा है, लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे लैंगिक कमजोरी है और मैं कर नहीं पाता हूँ। तो वो केमिस्ट के पास में जाके वो डायरेक्टली वो खरीद लेते हैं और परफॉर्म करते रहते हैं। कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा होता नहीं है। क्या है कि सेक्स टैबलेट लेना अच्छा कि बुरा, इसके बदले सेक्स टैबलेट कब लेना चाहिए जानना जरूरी है। अच्छी कब है सेक्स टैबलेट लेना? सेक्स टैबलेट लेना अच्छी तब है या अच्छा तब है जब आपकी उम्र 55-60 साल के ऊपर हो गई। 55-60 साल के ऊपर है, आपको वैसी कमजोरी आई हुई है, फिजिकली आप उतने स्ट्रांग नहीं हो, फिर जो खून की नलियां होती है ना, ब्लड वेसल्स, वो अंदर से थिक हुई रहती है, एथरोस्क्लेरोस्ड, तो उसमें से फिर खून लिंग में जाता नहीं है। डायबिटीज मेलाइटस है, उसके वजह से जो खून की नलियां हैं वो ठीक नहीं है, या नर्व्स जो है, जो नर्व्स से स्टिमुलेशन मिलता है वो नर्व्स वो कमजोर हुई है या उसके ऊपर इफेक्ट हो चुका है। तो ऐसे केस में ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं, मतलब कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल कारण है, शारीरिक कारण है जिसके वजह से आपको नपुंसकत्व आया हुआ है, शारीरिक कारण है कि जिसके वजह से आपको लैंगिक कमजोरी आई हुई है, या शारीरिक कारण है जिसके वजह से आपको लैंगिक समस्या आई हुई है। तो फिर आप यदि सेक्स टैबलेट लेते हैं उसमें सिल्डेनाफिल है, टाडालाफिल, वर्दानाफिल ऐसी जो गोली है वो आप ले सकते हो। मगर जब यंग लोग लेते हैं तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यंग लोगों को वैसी जरूरत नहीं है। यंग एज में, मतलब कम उम्र में यदि आपको लैंगिक समस्या है तो वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होती है, और यदि आप साइकोलॉजिकल समस्या ठीक करने के लिए यदि आप सेक्स टैबलेट ले रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा? वैसा देखा जाए तो सेक्स टैबलेट से आप, मतलब आपको फिजिकल कारण है नहीं, आपको ये साइकोलॉजिकल कारण, तो साइकोलॉजिकल कारण दूर हो सकता है साइकोथेरेपी से, सेक्स थेरेपी से, काउंसिलिंग से, हिप्नोटिज्म से साइकोलॉजिकल कारण दूर हो सकता है। तो उसके लिए साइकोलॉजिकल कारण जो है वो ठीक करना जरूरी है। अब क्या होता है कि ठीक है, ये सेक्स टैबलेट जो है टाडालाफिल, सिल्डेनाफिल, ठीक है, मगर अभी कुछ टैबलेट बाजार में ऐसी मिलती है मार्केट में कि उसको आयुर्वेदिक गोलियां करके बेचे जाता है, सांड का तेल, घोड़े का लेबल चित्र वाला तेल, बैल का चित्र वाला तेल, मतलब ऐसे तेल मिलते हैं, टैबलेट मिलती है, और वो घोड़े जैसा या बैल जैसा स्ट्रांग बनने का है ऐसा बताया जाता है। सब झूठ है, उसमें कुछ मतलब नहीं है। उसमें कुछ लोग स्टेरॉइड्स मिक्स करके बेचते हैं, उसमें सिल्डेनाफिल मिक्स करके बेचते हैं, कोई वो आयुर्वेदिक नहीं रहती है। तो ऐसी कोई दवाई जो है उसका बलि नहीं पड़ने का अपने को, वो दवाई का फ़ायदा भी नहीं। और फायदा यदि आपको होता है कि मैंने 80 रुपए की गोली लिया, 100 रुपए की गोली लिया, 200 रुपए की गोली लिया, सोने की या चांदी की वर्क वाली गोली लिया, तो उससे फायदा इसलिए होता है कि वो आपने साइकोलॉजिकली आपको ऐसा लगता है ना, ठीक है अभी मैंने इतनी स्ट्रांग पावरफुल महंगी गोली ली, अभी मेरे को फायदा हो जाए, और फायदा होता है। आपको एक्चुअली होता है साइकोलॉजिकल कारण। तो ये साइकोलॉजिकल कारण ठीक करना है साइकोलॉजिकल से, और साइकोलॉजिकल कारण कौन से होते हैं? टेंशन है दिमाग के ऊपर, डर है कर सकूं कि नहीं कर सकूं उसके बारे में, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, सेक्स करने जाओ तो घबराहट बेचैनी आती है, या थकान हुई है, या कुछ तो भी दिमाग में अटका हुआ है सेक्स के बारे में कि सेक्स बुरा है, अच्छा नहीं है, है ना, संस्कार अपने ठीक नहीं है कि सेक्स मतलब एकदम गंदा, ऐसे कुछ ना कुछ दिमाग में अटका हुआ है, तो फिर वो कारण आपको ठीक करना होगा। तो सेक्स टैबलेट के पूरे साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि हेडेक होता है, बॉडी एक बदन में दर्द, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कभी हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, आंखों के ऊपर असर हो सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स जो है वो सेक्स टैबलेट के हैं। इसलिए एकदम यंग एज में, जवानी में सेक्स टैबलेट लेना ठीक नहीं है। आप सेक्स टैबलेट लेते हो उससे होता क्या है कि आपको उसकी एक आदत बन जाती है, आपका कॉन्फिडेंस निकल जाता है कि नहीं अभी मुझे सेक्स टैबलेट लेनी पड़ेगी। सेक्स टैबलेट लेते हैं तो ही आपको जमता है, नहीं तो जमता नहीं है, और फिर उसके बाद में उसका डोज भी आप बढ़ाते रहते हैं, एक्चुअली उसकी यंग एज में ज़रूरत है नहीं। और सेक्स टैबलेट लेने के बाद में भी जिसको होता नहीं है कुछ भी इफेक्ट,
वो इसलिए है कि 6 टैबलेट लेने के बाद में भी आपको एक्साइटमेंट दिमाग में आने के लिए वैसे विचार, वैसी सोच लानी पड़ेगी, और वो सोच यदि आएंगी दिमाग में तो ही आगे का काम होगा। यदि आप 6 टैबलेट लेंगे और टीवी देखेंगे, 6 टैबलेट लेके हॉरर मूवी देखेंगे, 6 टैबलेट लेके घूमने चले जाऊँ, कुछ नहीं होने वाला। तो 6 टैबलेट लेने के बाद में भी फोरप्ले करना जरूरी है, एक्साइटमेंट दिमाग में लाना जरूरी है, तभी 6 टैबलेट काम करेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये साइंटिफिक नॉलेज है, ये सभी लोगों को आप पहुँचाओ ताकि लोग अननेसेसरली इसके एडिक्ट नहीं होंगे और उसमें फालतू बर्बाद नहीं होंगे। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप हमारे पार्टनर बनिएगा। आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमारे से पा सकते हैं। हमारे यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में शराब के लत वाले लोग, शराब, मॉर्फिन, गांजा, अफू, इसके जिनको लत है, व्यसन है, वो एडमिट होते हैं। वायलेंट पेशेंट है, मारपीट करने वाले, मेंटल पागल पेशेंट एडमिट हम करते हैं, मंदबुद्धि के लोग एडमिट करते हैं, बुजुर्ग लोग जो है जिनको डिमेंशिया हुआ है उनको एडमिट करते हैं। तो ऐसे सभी लोग बिना रिश्तेदार हमारे यहाँ भर्ती करते हैं या रिश्तेदार के साथ में भी भर्ती करते हैं। तो हमारे दो हॉस्पिटल है, उसका फायदा लेके आप अपने लोगों को, अपने पेशेंट को अच्छा करके आप ले सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट सेक्स एंड मानस चैनल यूट्यूब पर चालू किया हुआ है। आप वो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, उसके ऊपर जाइए, आपको सभी प्रकार के सेक्स के बारे में जो वीडियोस हैं वो सब मिल जाएंगे वहाँ, और एक जगह सब मिल जाएंगे। तो ज़रूर वो चैनल आप देखिएगा, सेक्स एंड मानस डॉक्टर दीपक केळकर, ऐसा आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।